करीब 4 से 6 इंच हम लोग एक्स्ट्रा ले लेंगे। क्यों लेंगे आपको बताते हैं, यहाँ से हम इसका कवर बाहर कर देते हैं पूरा, उसके बाद ये टूटते हुए चले जाएगा। आपको देखिए देखने की मिलेगा आडवाड़ के वाले पत्ती जितना भी है उसको हम लोग को सीधा कर देना है, कौन सा ज़्यादा हुआ कौन सा क्या हुआ, क्योंकि इसके बाद जो हम लोग करने वाले हैं ना तो हल्का सा साइड पे देखिए एक केबल ग्लैंड लगा हुआ है ये। नमस्कार दोस्तों, एक और नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है दोस्तों। और आज हम आपको बताने वाले हैं, एक हमारे पास है ग्लैंड। तो काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे आप आर्मर केबल लगाते हो सर, उसमें ग्लैंड नहीं लगाते। तो हमारे पास नहीं था दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, अभी हम लोग मंगाए हैं और हमारे पास आया भुवनेश्वर से। तो अभी हम आपको बताएंगे ये हमारा केबल ग्लैंड कैसा हम लोग इंस्टॉलेशन करते हैं और किस तरीके से केबल ग्लैंड लगाया जाता है, किस तरीके से केबल ग्लैंड लगाया जाता है। दोस्तों वीडियो भी नहीं आए तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि ऐसे ऐसे लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहे। तो चलो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए दोस्तों, अभी हमारे पास दो मटेरियल आया, अपने पास केबल ग्लैंड है और ये देख सकते हो कॉपर पट्टी को हम लोग सडल करने के लिए लाए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कितने एमएम का हमारे पास ग्लैंड आया आपको दिखाई देते हैं। यहाँ पर अपने को देखने को मिलेगा ये 35 एमएम का है, अभी देखिए यहाँ पर 35 एमएम 1.38। ठीक है, तो ये हम सारा हमारे पास यहाँ पर देख सकते हो सिंगल कंप्रेसर ग्लैंड है, वो सब आर्मर केबल पर यूज करने वाले हैं हम लोग। कॉर है हमारे पास सही, आप देख सकते हो यहाँ पर 45 लिखा हुआ, ये ज़्यादा का है, अपने को आपको दिखाते हैं। 120 एमएम का हम लोग मंगाए थे तो इसमें कहीं पर मेंशन नहीं है, दे 4.5 होगा और ये 120 एमएम के लिए और ये 35 एमएम के लिए। ठीक है, तो चलो हम लोग इसको कैसे तरीके से लगाएंगे। आप हमारे पास अभी तो केबल 25 एमएम का है ऐसा लग रहा है, देखते हैं 35 एमएम अपने को चाहिए इसके लिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास आर्मर केबल है, ये 35 एमएम का है, आप देख सकते हो ये मिट गया होगा, ये 35 एमएम का है। ठीक है, 35 स्क्वायर एमएम। तो ये देखिए यहाँ पर हम लोग को ग्लैंड लगाना है, तो ये 35 एमएम का ग्लैंड लगेगा इसमें। तो मेरे को हल्का सा डाउट लग रहा है, ये 25 एमएम टाइप का लग रहा है, तो ये देखिए फिक्स तो आ रहा है। ठीक है, तो चलो हम आपको बताते हैं किस तरीके से ग्लैंड लगाया जाता है अपना आर्मर केबल पर। तो सबसे पहले हम लोग को जहाँ पर हम लोग को इंस्टॉलेशन करना है उस जगह का मेजरमेंट ले लेना है, और ये केबल ग्लैंड को जो है यहाँ पर मेजरमेंट ले लिए, समझो यहाँ पर हम लोग मेजरमेंट ले लिए। मेजरमेंट लेने के बाद जो है एक्स्ट्रा ब्लेड से हम लोग को इसको कटिंग कर देना है। ठीक है, आरी ब्लेड जो है हमारा, तो इसको हम लोग को इसका आर्मर को कटिंग नहीं करना है, अपने को खाली पीवीसी कटिंग करना है। ठीक है, अभी देखिए कैसे करते हैं इसको कटिंग, उसके बाद आपको दिखा दें। बस यहाँ पर कटिंग कर दी और इसके बाद हम लोग जो है करीब 4 से 6 इंच हम लोग एक्स्ट्रा ले लेंगे। क्यों लेंगे आपको बताते हैं, यहाँ से अपने को पूरा इसको कटिंग कर देना है, इसका अंदर का भी कटिंग कर दे सकते हो। ठीक है, अंदर जो हमारा आर्मर के वाले उसको भी कटिंग कर सकते हो, यहाँ से पूरा 6 इंच हम लोग को लेना है, 4 से 6 इंच। और ये जो है हम लोग को लोग जो है ये जो है इसका कवर बाहर कर देते हैं पूरा। ठीक है, देखिए इस तरीके से पूरा इसको इसका कवर बाहर कर देना अपने को। देख सकते हो इस तरीके से ये बाहर हो जाएगा। और सोच रही है यहाँ पर जो हम लोग 4 इंच लिए हैं ना यहाँ पर, उसको क्यों नहीं किए हैं। तो पहले हम लोग यहाँ पर इसको कटिंग कर देंगे, उसके बाद उधर वाले को निकालेंगे। ठीक है, क्यों आपको बताते हैं, पहले इसको हम लोग तो आरी ब्लेड से काट दिए हैं और हल्का हल्का मोड़ देना है, उसके बाद ये टूटते हुए चले जाएगा। आपको देखिए ये काफ़ी आसानी से टूट जाएगा। आप सोच रहे होंगे जितना बार हम लोग ग्राइंडर से काटते हैं आज कैसे नहीं काट रहे, आपको बताने के लिए काफ़ी लोग बोलते हैं आप खाली आसान वाला काम करते हो मेहनत वाला नहीं। तो आपको दिखाने के लिए पूरा ये मैं आरी ब्लेड से इसको काटेंगे, नहीं तो मैं इसको ग्राइंडर से भी काट सकता था। ठीक है, तो ये देखिए इस तरीके से ये अपने को निकाल लेना है सबको। ठीक है, और ये हल्का सा एक रस्सी बचा है, इसमें कंपनी का नाम और ये लिखा हुआ है, उसको हम लोग स्टिकर को निकाल देते हैं, हो गया। उसके बाद ये जो बचा है, ये जो बचा है उसको हम लोग को इसको भी निकालना है। ठीक है, इस तरीके से बाहर हो जाएगा, ये देखिए ये बाहर हो गया। अब इसके बाद हम लोग को लगाना है पर ग्लैंड,
ठीक है, एमएम का जो ग्लैन है, तो हम लोग इसके बाद इसको लगाने वाले हैं। तो इसको लगाने का तरीका आपको बता देते हैं। ये देखिए, ये चूड़ी दिख रहा होगा, ये चूड़ी जाएगा जहाँ पर हमारा पैनल रहेगा, पैनल कहीं पर भी इंस्टॉलेशन होगा उसके अंदर जाके ये जो है ये रिंग टाइट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये पीछे वाले को हम लोग को खोलना है, खोलने के बाद इसमें अपने को वाशर निकलेगा, देखना दो वाशर मिलेगा अपने को। तो सभी का अपना अपना काम है, आपको बता देते हैं कैसा काम आएगा। ये देखिए तीन वाशर देखने को मिल रहा होगा और ये एक रबर पैकिंग है, ठीक है। सबसे पहले कौन सा वाला निकाले, ये बड़ा साइज का निकाले थे ना, तो ये उल्टा निकला है, पहले इसको डालना है, ठीक है। उसके बाद वाशर लगाना है, ये देखिए वाशर, ये वाशर लग गया। उसके बाद ये रबर निकला, रबर डालना है, ठीक है। उसके बाद क्या है अपने पास, एक वाशर है यहाँ पर, ठीक है, तो इसको भी एक वाशर को डालना है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं इसके साथ, क्या करेंगे हम लोग, जो ये आर्मर आप देख रहे होगा केवल, उसको हम लोग को बैठाना है। तो कहाँ पर बैठाना है, इसके अंदर बैठाना है। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसको अच्छे से जो ना यहाँ पर इसको मोड़ के यहाँ पर रखना पड़ेगा। तो चलो दिखाते हैं कैसे तरीके से करेंगे। तो चलो यहाँ पर जो हमारा जो यहाँ पर आपको देखने की मिलेगा आडमार के वाले पत्ती जितना भी है उसको हम लोग को सीधा कर देना है, ऐसा सीधा हम लोग को एक ही लेवल में करना है, ठीक है। और इसको क्या करना है उसके बाद आपको बताता हूँ। ये देखिए इस तरीके से सभी को पहले खोल लेना है, खोल के पूरा इसके साथ रखना है रिंग पे। ये देखिए राउंड करने के बाद अपने को पूरा ये जो है ना मेजरमेंट सही देख लेना है, कौन सा ज़्यादा हुआ कौन सा क्या हुआ, क्योंकि इसके बाद जो हम लोग करने वाले हैं ना तो हल्का सा फर्क लग जाएगा तो दिक्कत जाएगा। आप से अपने को सेटअप कर लेना है जो रिंग के हिसाब से। हारमोनियम जो पत्ती है उसको हम लोग को सीधा कर लेना है, उसके बाद हम लोग को क्या करना है, इसको मार्किंग करना है, और मार्किंग जो है रिंग के अंदर करना है, ठीक है, ताकि रिंग के बाहर नहीं आना चाहिए। देखिए इसको हम लोग मार्किंग कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग इसको कटिंग करने वाले हैं। आरी ब्लेड से कटिंग करेंगे और हल्का हल्का इसको मोड़ देंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, आरी ब्लेड से आपके साथ नहीं कटेगा, तो क्या करना है, प्लास लेना है और इसके बाद एक बार प्रेस करना है और दो बार ऐसा ऊपर नीचे कर देना है, ये कट जाएगा ऐसा, ठीक है। तो वैसे ही हम लोग जितना भी मार्किंग किए हैं उसको हम लोग को कटिंग करना है, एक एक करके। देखिए यहाँ पर प्लास पे ऐसे दबाना है, ऐसा कट जाएगा, नहीं तो हल्का सा एक बार प्रेस करना है, उसके बाद दो बार मोड़ देना है, ठीक है, ऐसा करके। देखिए दोस्तों, हम लोग इसको कटिंग कर दिए और हल्का सा इसको सेटअप करके देख लेना है कितना कौन सा बाहर जा रहा है, उसको हम लोग को भी अच्छे से और कटिंग करना पड़ जाएगा, ठीक है। तो फाइनल एक बार हम लोग इसको सेटअप करके देख लेते हैं, ये आएगा रही और इसके बाहर चले जाएगा ना रिंग से, तो आप समझो फाइनल अपने को कटिंग करना पड़ेगा। तो ये साइज को हम लोग को चेक कर लेना है कितना बाहर जा रहा है कैसा है। तो एक दो बाहर जा रहा है मार्किंग से, तो हम लोग उसको कटिंग कर देंगे, ठीक है। ये वाला बाहर जा रहा है तो इसको हम लोग को कटिंग कर देना है ऐसा, ये हो गया फाइनल। तो हम लोग एक दो सेटअप देख लेंगे और ये रिंग जो है हम लोग यहाँ पर सेटअप किए ना, उसके बाद इसको लगा के देखते हैं ये आ रहा है नहीं। तो ये देखिए ये पकड़ना चालू कर देगा, तो आपको समझ जाना ये जो है फिक्स नहीं कटा है, तो हल्का सा एक दो ठोको और कटिंग करना पड़ेगा अपने को। कटिंग करने के बाद जो है ये फाइनल इसके अंदर जाएगा। तो दोस्तों फाइनली हम लोग सेटअप कर लिए, आप देख सकते हो ये रिंग से बाहर नहीं जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करें, इसके ऊपर एक और यहाँ पर वाशर डालेंगे रिंग वाला, और उसके बाद जो है ये केबल ग्लैंड जो हम लोग लगाएंगे, ठीक है। इसको देख लेना, गलती नहीं करना है, और ये देखते हैं इसको हम लोग को हल्का सा घुमा के डालने का है। उसके बाद जो है इधर का वाशर और ये जो है रिंग जो है उसको अच्छे से करना है, ठीक है। ये पूरा अंदर जाएगा, उसके बाद जो है हम लोग को ये देखिए अंदर चले गया, उसके बाद ये वाले बाहर वाले एरिया को हम लोग जो है टाइट करते हुए लेके चलेंगे, ठीक है। तो इसको उसके बाद इसको हम लोग को फुल टाइट कर देना है, ठीक है। देखिए ये वाले को,
और ये ग्लैंड लगने का कारण ये रहता है, आपको पता है, ये जो कहीं भी हम लोग पैनल पे इंस्टॉलेशन करते हैं इसको खींचेंगे ना तो ये निकलने वाला नहीं है, तो इसीलिए ग्लैंड लगाया जाता है। और इससे रनिंग अर्थिंग भी अपने को मिल जाता है बॉडी पे, ठीक है। तो चलो देखते हैं, इसको फुल टाइट करना पड़ेगा पाइप पाना ला के। तो चलो पाइप पाना ले आए और इसको फुल टाइट करते हैं, ऐसे एक हाथ से इधर पकड़ लेते हैं इसको और इसको पाइप पाने से फुल टाइट करेंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पर फुल टाइट हम लोग कर दिए और किस तरीके से फिनिशिंग हुआ है चलो आपको दिखाते हैं। कैमरा मैन यहाँ पर फोकस करिए, इसके अंदर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसके अंदर आपको रिंग दिखाई दे रहा होगा जो हमारे को, ये रिंग देखिए, रिंग आपको पता चल रहा है अंदर में बैठ गया, ठीक है। और जिसका यहाँ पर आडमर वायर था ना अपना, जो आडमर केबल पे, तो वो आडमर केबल हम लोग जो है इसके अंदर वायर था, उसको हम लोग साइड से पूरा ये कवरिंग कर दिए ताकि ये जो है इसका पकड़ बन रहा, उसी से हम लोग का पकड़ बनेगा, वायर को नहीं पकड़ेगा ये देखिए। और ये कितना मजबूत है, ये बाहर नहीं आएगा ना इधर नहीं आएगा जितना भी। अब ये रेडी हो गया लगाने के लिए, कहीं भी जगह हम लोग इसको इंस्टॉलेशन करेंगे ना ये खाली घूमेगा जरूर, ये निकलने वाला नहीं है, ठीक है, ये बिल्कुल निकलेगा। और ये बस ये हल्का सा चूड़ी हल्का सा घूम सकता है, इसको खोलना रहेगा तो, और ये खोल सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पर भी आपको केबल देखने को नहीं मिल रहा होगा, पूरा फिनिशिंग देखने को मिल रहा हो। तो ये देखिए इस तरीके से ये फिनिशिंग हुआ है। तो ये अपना अब ये फाइनल हो गया आप देख सकते हो। और उसके बाद ये जो अपने को वाशर रिंग मिल रहा होगा, ये कहीं भी लगा के पैनल पे हम लोग को टाइट करना है। टाइट करने के बाद इस तरीके से फुल टाइट कर देना है। और जितना भी हमारा ये आर्मर केबल है उसको हम लोग का ये कवर जो है, तो आर्मर केबल जो आप इसके ऊपर और कवर था उसको हम लोग को कटिंग कर देना है, ठीक है। और ये फाइनल हो चुका है और ये इंस्टॉलेशन कहीं भी अपन इसके बाद कर सकते हैं। बहुत मजबूत होता है ग्लैंड लगाने से। तो मेरे को ना काफ़ी जन कमेंट कर रहे थे, सर आप एक एक्सटर्नल पैनल लगाए उसमें ग्लैंड क्यों नहीं लगाए। तो मैं आपको क्या बताऊँ, यहाँ पर हमारे पास ग्लैंड नहीं आया था तो हम लोग जो इसको लगाए नहीं, इसको फिनिशिंग कर लेंगे। और उसके बाद जो है अभी आप देख सकते हो यहाँ पर आर्मर केबल हमारा अभी इंस्टॉलेशन हो सक जाएगा। इसमें जो लक्स लगाना है लक्स लगा देंगे, उसके बाद एक ग्लैंड लगा के ये मजबूती आ जाएगा। और ये केबल ऐसा ऐसा बाहर भी करेंगे, इसको खींचेंगे तो ये निकलने वाला नहीं है, इसीलिए ग्लैंड लगाया जाता है। चलो दोस्तों यहाँ पर तो फाइनल हो गया, एक किस तरीके से ग्लैंड लगा आप देख सकते हो। तो चलो एक जगह हम आपको दिखाई देते हैं किस तरीके से हम लोग पैनल पे इसको लगाया जाता है। देखिए दोस्तों यहाँ पर एक इलेक्ट्रिकल पैनल है और इसके साइड पे देखिए एक केबल ग्लैंड लगा हुआ है, ये 35 mm का है ये भी। और आपको दिखाते हैं अंदर में कैसे तरीके से, ये देखिए यहाँ पर केबल ग्लैंड लग गया है। हल्का सा बड़ा करना पड़े अपने को ग्राइंडर से काट के, क्योंकि वो जगह छोटा रहता है 25 mm, तो यहाँ पर हम लोग को 35 mm करना था, इसके लिए काट के ऐसे इस तरीके से लगाया गया। और केबल ग्लैंड आप देख सकते हो किस तरीके से लगा हुआ है, तो इसी तरीके से ये केबल ग्लैंड लगाया जाता है। तो चलो इसको बंद कर देते हैं हम वहाँ। तो देखिए फाइनल यहाँ पर इस तरीके से ग्लैंड लगाया जाता है। और आप सोच रहे हो ये कौन सा पैनल, इसका भी जल्दी वीडियो आने वाला है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो फाइनली आज का वीडियो कैसा था दोस्तों कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छे लगे दोस्तों चैनल को लिए सब्सक्राइब बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि ऐसा ऐसा लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहे। तो चल दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो पे। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगन्नाथ।